बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ अरसलान खटक और आपको वेलकम करता हूँ पी के टेस्ट ग्लोब यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जिन दोस्तों ने पाकिस्तान नेवी सिविलियन में किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, उनका रिटन टेस्ट में सबसे पहला टेस्ट इंटेलिजेंस टेस्ट का होता है। अगर आप इंटेलिजेंस टेस्ट को पास कर लेते हैं तो आप एकेडमिक टेस्ट में यानी प्रोसेस करते हैं, यानी आपका वो टेस्ट शुरू होता है। अगर आप इस टेस्ट में अल्लाह ना करे फेल हो जाते हैं तो आपको वहीं से घर भेज दिया जाता है, ठीक है। आज जो हमारी वीडियो है, इस वीडियो में जो एमसीक्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगा, टोटल 50 एमसीक्यूज़ होंगे और ये एमसीक्यूज़ मोस्टली एमसीक्यूज़ इसमें रिपीटेड एमसीक्यूज़ हैं, ठीक है। इसके बाद जो हमारी वीडियो होगी वो डिफरेंट एमसीक्यूज़ पर होगी, इस तरह एमसीक्यूज़ पर नहीं होगी जो आज इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। ये बेसिकली हमारी वीडियो पार्ट टू है, इस बार जो मैं सीरीज़ बना रहा हूँ इसकी ये पार्ट टू है। दोस्तों, मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपको बताता चलूँ कि मैं ऑलरेडी पाकिस्तान नेवी पर बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ। तमाम वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। ये मेरी ताज़ा वीडियो है, इसको आप चेकआउट कर सकते हैं। इंटेलिजेंस में वर्बल इंटेलिजेंस अगर आप उसकी कमज़ोर है तो आप इन दो वीडियो को चेक करें। फेजिस के लिए इन दो वीडियोज़ को चेक करें, नॉन वर्बल के लिए इन दो वीडियोज़ को चेक करें। ये इंग्लिश की वीडियो है और ये एकेडमिक टेस्ट की वीडियो है। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, सेलर इज टू एयरफोर्स देन एयरमैन इज टू डैश। ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स ने शेयर किया था तो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसमें क्या होता है, सेलर होता है नेवी के सिपाही को कहते हैं सेलर, और जो पीएफ का यानी एयरफोर्स का जो सिपाही होता है उसको एयरमैन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नेवी का सिपाही का नाम एयरफोर्स के साथ जोड़ दिया है, तो एयरफोर्स के सिपाही का नाम हम किसके साथ जोड़ेंगे, नेवी के साथ जोड़ेंगे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा हमारा। एट, एट के बाद टू आता है, फिर वन अपान टू, वन अपान एट। वन अपान एट कैसे आया, वन अपान फोर से मल्टीप्लाई करके। हम क्या करेंगे, वन अपान फोर से इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। वन अपान टू को वन अपान फोर से मल्टीप्लाई किया, क्या बना, वन वन वन, ऊपर वन आ गया, फिर फोर और टू को एट, एट आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वन अपान फोर को मल्टीप्लाई करेंगे, वन वन ऊपर वन आ जाएगा, फिर एट फोर कितना आ जाएगा, थर्टी टू। अब चार ऑप्शन में थर्टी टू किधर लिखा है, ये रहा ऑप्शन ए में आपको नज़र आ रहा है, और ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। इफ़ यस्टरडे वाज मंडे, ये एमसीक्यूज आपने काफ़ी दफ़ा देखा होगा, आज इसको समझ लेते हैं। इफ़ यस्टरडे वाज मंडे, व्हाट डे इज़ आफ्टर टुमारो। सबसे पहले आप ये देख लें, ये बात कब हो रही है, ठीक है। पूछा गया है यस्टरडे, यस्टरडे उस दिन को कहते हैं जो गुजर गया हो। अगर गुजरा हुआ दिन मंडे है, ठीक है, तो आज कौन सा दिन है, आज ट्यूज़डे है, ठीक है, ये आज का दिन है। अब ट्यूज़डे के हिसाब से आप बात करें, फिर पूछे गए हैं कि व्हाट डे इज़ आफ्टर टुमारो। टुमारो कहते हैं आने वाला दिन, आने वाला दिन कौन सा है, वेंसडे है, ठीक है, ये आने वाला दिन है। अब सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि डे आफ्टर टुमारो, ये जो लफ्ज़ है ना, इसको आप नोट करें कि यानी कल की भी बात, कल की बात का भी एक दिन, जिसे हम परसों कहते हैं, आने वाला परसों। तो आने वाला परसों क्या है, थर्सडे है, थर्सडे आपका करेक्ट आंसर है। थर्सडे कहाँ पर लिखा है, ऑप्शन सी में लिखा है, ये आपका करेक्ट आंसर है, और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। बोट इज़ टू वाटर, रिपीटेड क्वेश्चन है, बोट इज़ टू वाटर, प्लेन इज़ टू डैश। बोट एक मशीन को कहते हैं छोटी सी, और ये जो कि शिप की तरह होती है लेकिन छोटी साइज़ में छोटी होती है, जिसकी रफ्तार काफ़ी तेज़ होती है, ठीक है, और ये समंदर में दरियाओं में ये चलती है। इसी तरह प्लेन हवाई जहाज़ कहाँ पर चलता है, ये आसमान में चलता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। हेन इज़ टू चिकन, हेन इज़ टू चिकन, जब हम घर में मुर्गी का गोश्त बनाते हैं तो हम क्या कहते हैं, आज चिकन बना है, ठीक है, चिकन बिरयानी बनी है, चिकन कढ़ाई बनी है। तो चिकन में क्या, कौन सा गोश्त इस्तेमाल होता है, मुर्गी का, ठीक है, देसी मुर्गी का या फार्मी मुर्गी का। इसी तरह काऊ का जो गोश्त होता है, बड़े जानवर का जो गोश्त होता है, उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं, चार ऑप्शन है, बारबेक्यू, मीट, मटन, बीफ, उसको हम कहते हैं बीफ। बड़े जानवर का जो गोश्त होता है उसको बीफ कहते हैं, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भाई बकरी का गोश्त, तो बकरी के गोश्त को मटन कहते हैं, बकरी के, बकरे के, इस तरह। पेन इज़ टू एंक, पेन काम करता है स्याही के साथ। इसी तरह आई क्या करती हैं, आई का काम क्या होता है, आंख का, आंख का काम होता है देखना। देखने के लिए इंग्लिश में कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, सी का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, और सी कहाँ पर है, ऑप्शन सी में है। माउंटेन इज़ टू हाई, ये एमसीक्यूज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने शेयर किया है। माउंटेन, पहाड़ क्या होता है, पहाड़ बहुत बड़े होते हैं, और बहुत बड़े के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, लफ्ज़ हाई इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसी तरह ट्रेन की क्या खास बात है, ट्रेन की खास बात यह है कि ट्रेन लंबा होता है, तो लंबे के लिए हम इस्तेमाल करते हैं लेंथ, इसकी लंबाई ज़्यादा होती है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। मरी इज़ टू कोल्ड, अच्छा फ्रेंड्स, ये जो एमसीक्यूज़ है इसमें कभी कभी पूछ जाता है कि स्कर्दू इज़ टू कोल्ड, ठीक है,
तो मरी असल में क्या है, मरी असल में ठंडा इलाका है, इसी तरह सकर्द भी ठंडा इलाका है। ठंडे इलाके में ठंड को क्या कहते हैं, कोल्ड कहते हैं। ठंडे इलाके के लिए अगर ठंड है तो जैकबाबाद असल में ऐसा इलाका है जहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। 53 सेंटीग्रेड की यहाँ पर गर्मी रिकॉर्ड हो चुकी है। तो यहाँ ये गर्म इलाका है, और गर्म इलाके के लिए गर्म कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, हॉट का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है इंग्लिश में, और हॉट ऑप्शन सी में मौजूद है, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। इफ़ शू इज़ टू फूट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड है। अगर हम पैरों में क्या पहनते हैं, शू यानी जूते पहनते हैं, तो हेलमेट कहाँ पहनते हैं, हेलमेट हम पहनते हैं जब हम यानी बाइक वगैरह चलाते हैं, हेड पर पहनते हैं, सर पर, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। मेन इज़ टू वोमेन, अगर एक आदमी एक लेडीज़ के लिए, लेडी के लिए है, एक आदमी मर्द अगर औरत के लिए है, तो बॉय लड़का किसके लिए है, लड़की के लिए। लड़की के लिए क्या इस्तेमाल होता है, गर्ल इस्तेमाल होता है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इस तरह के एमसीक्यूज आते ज़रूर हैं। हेन इज़ टू चिकन, देन हॉर्स इज़ टू डैश। अब यहाँ पर आपने क्वेश्चन तकरीबन पिछला जो क्वेश्चन हमने देखा उसके रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पर अलग एंगल से आपने देखना है। हेन का जो बच्चा होता है उसको चिकन कहा जाता है, ठीक है, चिम चिम जो करते हैं। इसी तरह हॉर्स के बच्चे को क्या कहते हैं, मेयर कहते हैं। हमारा करेक्ट आंसर होगा मेयर। अब ये ज़रूरी है कि आप जो जानवरों के बच्चों के नाम और जानवरों के नाम, या आप अपनी वोकैबुलरी ज़रूर इसको स्ट्रॉन्ग करें। इसी तरह जो चीज़ें होती हैं उसके नाम अगर आप याद कर लें, इस तरह एमसीक्यूज कभी कभार आ जाते हैं। इफ़ 18 o'clock इज़ टू 6 o'clock, देन 14 o'clock इज़ टू डैश। अब आप दोस्तों गौर करें, जो 24 घंटे की यानी घड़ी है, ये रात के 12 बजे से शुरू होता है और अगले रात की 12 बजे तक ये चलता है, ठीक है। जो रात के 12 बजे से शुरू होकर दिन के 12 बजे तक एक मरतबा घड़ी आ जाती है, तो 12 घंटे हो गए, ठीक है। अब 12 घंटे में आप 6 घंटे मजीद मिलाएं, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 घंटे। अगर 18 घंटे शाम असर के टाइम 6 बजे के लिए हैं, तो 2 बजे पर क्या, कौन सी घड़ी आती है, 2 बजे पर आता है 14। कैसे आता है, जैसे दिन के 12 बजे तो 12 बजे हो गए, उसके बाद 13 क्या हो गया, 13 आपका 1 हो गया, 14 क्या हो गया, 14 आपका 2 हो गया, 15 आपका 3 हो गया, ठीक है। इसी तरह 16 आपका 4 हो गया, इस तरीके से, यानी ये पीएम वाला, ठीक है, 1 PM, 2 PM, 3 PM, 4 PM, ये वाला। तो 14 कहाँ पर मैच करता है, 2 पर मैच करता है, 2 हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए पर 2 लिखा है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बिली इज़ टू गोट, बिल्ली कहते हैं जो दुम्बी वगैरह का, बकरी वगैरह के बच्चा होता है उसको बिली कहते हैं। इसी तरह जेक कहते हैं जो डंकी का बच्चा होता है, ठीक है, गधे का जो बच्चा होता है उसको जेक कहा जाता है, लेकिन ये मेल हो, ठीक है, फीमेल के लिए इस्तेमाल नहीं होता। अगर मेल है तो उसके लिए फिर जेक इस्तेमाल होता है, टर्म में एक। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगस्त इज़ टू 8, अगस्त कौन सा महीना है, साल का 8वां महीना है, तो अक्टूबर साल का कौन सा महीना है, 10वां महीना है। सिंपल क्वेश्चन है ये, लेकिन ये होता है कि बाज़ स्टूडेंट नए होते हैं, फिर उनको अंदाज़ा नहीं होता, ओके, तो भाई अगस्त और 8 का आपस में क्या ताल्लुक है, आपस में ये ताल्लुक है कि जो कि देखें साल में 12 महीने हैं, उस 12 महीनों में 8वां महीना कौन सा है, अगस्त का है। इसी तरह अक्टूबर का कौन सा महीना है, अक्टूबर साल का 10वां महीना है, तो 10 हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी में आया है। बुक इज़ टू टाइटल, एक दोस्तों एक किताब होती है उसका नाम होता है, ठीक है, उस नाम को टाइटल कहते हैं। इस तरह एक आदमी होता है, उस आदमी का भी नाम होता है, उस नाम को हम क्या कहते हैं, नेम कहते हैं, ऑप्शन सी। व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज, अब जो एमसीक्यूज आएंगे वो इस तरह के एमसीक्यूज होंगे, ठीक है। अब आप गौर करें, 11, 16, 23, 32, 43। अब आप गौर करें कि 11 में 5, 8 किया है तो क्या बना है, 16 बना है, फिर उस 5 हम क्या करेंगे, 2, 8 कर देंगे, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, इस 7 को हम 16 में 8 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। फिर हम 7 में 2, 8 कर देंगे, ये कितना हो जाएगा आपस में, ये 9 हो जाएगा, 9 को हम 8 कर देंगे 23 में, तो ये 32 हो जाएगा। फिर हम 9 में 2, 8 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब ये 11 जो है हम 32 में 8 करेंगे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 43। अब 43 में हम क्या ऐड करेंगे, 11 में 2, 8 करेंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, 13। और इसी 13 को हम 43 में ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। 56 कहाँ पर लिखा है, ऑप्शन ए में लिखा है, ये हमारा आंसर है, ठीक है। अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन में समझने में मुश्किल हो रही तो आप मुझे बता दिया करें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद आसानी के साथ आपको समझाने की कोशिश करूँ। फ्लाई इज़ टू एरोप्लेन एंड सील इज़ टू डैश,
अब आप गौर करें, फ्लाई का मतलब है उड़ना, और एरोप्लेन क्या करता है, एरोप्लेन भी उड़ता ही है, ठीक है, हवा में होता है। इस तरह सील कहते हैं समंदर को, तैरने वाली चीज़ को, ठीक है। तो ये तैरने वाली चीज़ कहाँ पर होती है, शिप होती है। तो देखें शिप हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। शिप सील करती है यानी समंदर में तैरती है। तो ये हमारा आंसर है, एरोप्लेन हवाई जहाज उड़ता है और उड़ने के लिए फ्लाई का टर्म इस्तेमाल हुआ है, तो बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। टाइट इज टू लूज, अगर कोई चीज़ सख्त बांधी हुई हो तो उसका उलट क्या है, लूज है। अगर कोई चीज़ हार्ड हो, बहुत सख्त हो, तो उसका उलट क्या है, सॉफ्ट है, ठीक है। अब ये इस तरह के जो MCQs होंगे आपको तब समझ में आएंगे जब आप इनकी थोड़ी बहुत मीनिंग आपको समझ में आए, और उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी थोड़ी सी इंग्लिश वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग करें। हीवी इज़ टू लाइट इज रफ इज़ टू डैश। हीवी भारी चीज़, लाइट हल्की चीज़, ठीक है। रफ सख्त चीज़ को कहते हैं, और इसका उलट क्या है, उसका उलट रफ का जो सख्त चीज़ है उसका उलट स्मूथ है, ठीक है। स्मूथ हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी। एकड़ इज टू किनाल, एकड़ इज टू किनाल, किनाल का जो हम यूनिट लेते हैं, रकबा लेते हैं, वो एकड़ में लेते हैं। इस तरह स्क्वायर का, स्क्वायर के टाइप की जो ज़मीन होती है, इस टाइप की जो ज़मीन होती है उसका अगर हम रकबा लेते हैं तो हम क्या कहते हैं, इतने एकड़ की ज़मीन है, तो इसका भी एकड़ ही आंसर आएगा, ठीक है। ये 5 एकड़ की ज़मीन, 6 एकड़ की ज़मीन, तो वो ज़मीन क्या होती है, यानी इस तरह स्क्वायर होती है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। लाइट इज़ टू आई, लाइट का ताल्लुक आई से है, तो साउंड का ताल्लुक किस चीज़ के साथ है, साउंड का ताल्लुक है भाई कानों के साथ। कान के लिए कौन सा इस्तेमाल होता है, कौन सा लफ्ज़, ऑप्शन बी ईयर इस्तेमाल होता है। केट इज़ टू किटन, केट इज़ टू किटन, केट बिल्ली को कहते हैं, उसके बच्चे को किटन कहते हैं। डॉग, डॉग के बच्चे को क्या कहते हैं, डॉग के बच्चे को पपी कहते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। फिश इज टू स्विमिंग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। फिश क्या करता है, स्विमिंग करता है, ठीक है। स्नेक क्या करता है, स्नेक, स्नेक सांप को कहते हैं। स्नैप यानी रिंगता है, उस रिंगने को क्या कहते हैं, रिंगने को कहते हैं क्रॉलिंग, ठीक है। इंग्लिश में रिंगने के लिए क्रॉलिंग का लफ्ज इस्तेमाल होता है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। हॉट इज टू बर्न, बर्न कहते हैं जलने को, ठीक है। हॉट के, हॉट कहते हैं यानी गर्म चीज़ को। इसी तरह कोल्ड, कोल्ड सर्द चीज़ को, और इस तरह कोल्ड जब बहुत ज़्यादा हो जाती है तो क्या होता है, फिर फ्रीज हो जाता है, ठीक है। यानी एक चीज़ गर्म होती है, जब बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है तो जल जाती है। इसी तरह कोल्ड सर्द को कहते हैं, बहुत ज़्यादा कोई चीज़ सर्द हो तो फ्रीज हो जाती है, यानी उसकी जो सुपरलेटिव डिग्री है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ब्रिज इज़ टू सेज, अच्छा सॉरी, बर्ड इज़ टू सेज, सेज कहते हैं घोंसले, सॉरी भी जैन से नाम भूल गया हूँ, सेंज पिंजरे को कहते हैं, ठीक है। बर्ड परिंदा अगर पिंजरे में होता है तो प्रिजोनर जो कैदी होता है वो किस चीज़ में होता है, तो प्रिजोनर जेल में होता है, वो भी पिंजरा होता है, इंसानों का पिंजरा, उस इंसानों के पिंजरे को क्या कहते हैं, सेल कहते हैं, ठीक है। एक होता है जेल, एक होता है सेल। जेल उस जगह को कहते हैं, पूरी बिल्डिंग को कहा जाता है, और उसमें एक मखसूस कमरे को सेल कहा जाता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। फिंगर इज टू एल्बो, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है। फिंगर इज टू एल्बो, अगर कोनियों यानी उंगलियों का ताल्लुक कोनियों से है, एल्बो कहते हैं कोनी को। इस तरह टो, पैर का ताल्लुक किस चीज़ के साथ है, ये इसका ताल्लुक है भाई नी के साथ है, ठीक है, घुटने के साथ है, पैर का ताल्लुक है घुटने के साथ, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। सिंगल इज टू डबल, एक होता है सिंगल, एक होता है डबल। इस तरह एक होता है वन, दूसरा क्या होगा टू, टू कहाँ लिखा है, टू ऑप्शन सी में लिखा है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। इफ़ ब्रश इज़ टू पेंटिंग, अगर एक ब्रश होता है जिससे पेंटिंग होती है, तो पेंसिल से क्या होती है, पेंसिल से भाई ड्राइंग होती है, ठीक है, पेंसिल से ड्राइंग होती है। अब आपने इस चीज़ को देखना है, पेंसिल नोटबुक, हम नोटबुक में कुछ लिख सकते हैं, इसमें बात नहीं है, लेकिन आपने इस चीज़ को देखना है, पेंटिंग, ठीक है, एक मखसूस रंगीन चीज़ की बात हो रही है। इससे मुमासलत वाली सिर्फ ड्राइंग की चीज़ है, पेंसिल से स्केच भी बनता है, पेंसिल से मैप भी बन सकता है, अगर कोई यानी मैप बनाए तो भी बन सकता है, लेकिन पेंटिंग की अगर आप बात करें उसके हिसाब से, तो ड्राइंग इसका करेक्ट आंसर बनता है। इफ़ शीप इज टू वूल, बेड़ी की जो काल होती है उसको वूल कहा जाता है। इसी तरह केट की जो काल है वो उसे क्या कहते हैं, उसे फूर कहते हैं, ठीक है।
ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ड्राइवर इज टू कार एंड पायलट इज टू डैश, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी रिपीट हो चुका है। यानी कार कौन चलाता है? ड्राइवर चलाता है। पायलट क्या करता है? पायलट क्या चलाता है? पायलट चलाता है एरोप्लेन। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। हेयर इज टू नाउ, हेयर इज टू नाउ, देयर इज टू देन। अब ये कौन सा दिन होगा? एक दिन ये है, ये दिन कंपेरेटिव दिन है, ठीक है, यानी दो चीज़ों के दरमियान में फ़र्क करते हैं, और ये दिन है उस टाइम, यानी उधर ही देखा जाएगा दिन, ये उसके लिए इस्तेमाल होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। रिंग इज़ टू फिंगर, रिंग इज़ टू फिंगर, रिंग हम कहाँ रखते हैं? फिंगर में। इस तरह टाई कहाँ पर होती है? टाई होती है निक पर, ठीक है, गले गले में होती है निक। ये हमारा करेक्ट आंसर है। व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप और करें, 4, 12, 36, 108। अगर हम सोचें कि 4 से 12 कैसे बना, यानी 3 से मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है, मान लें कि 3 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 3 12 बना, 12 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें, कितना बना? 36 बना। 36 को भी आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको आंसर मिलेगा 108। हम क्या करेंगे? हम जो आंसर के लिए 108 को, यानी 108 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 108 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 का 3 कितना बना? 300 बना, ठीक है, ये आपका हो गया 100 की मल्टीप्लिकेशन। बाकी कितना बचा? 8 बचा। 8 का 3 कितना होता है? 24 होता है, तो यहाँ पर आपने 24 लिख दिया है। अब 300 और 24 कितना होता है? 324 होता है, ठीक है। अब आप ऑप्शन में देखें 324 कहाँ पर लिखा है, 224, 423, 324, ये रहा, ऑप्शन डी में लिखा है, ये आपका करेक्ट आंसर है। व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज, एक में एक, फिर 10, फिर 19, फिर 28, 1, 10, 19, 28 आगे हमने बताना है। यहाँ पर 9 जमा किया है तो 10 बना है, 10 में 10 से 19 कैसे बना? 9 जमा किया है, इधर 19 से बना, 19 से 28 कैसे बना? 9 जमा किया है, ठीक है। अब आंसर जो भी होगा हम क्या करेंगे, 28 में 9 जमा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 28 में 9 जमा करेंगे तो 28 और 2 कितना हुआ? 30 हुआ, इधर 7 बचा, 30 और 7 कितना होता है? 37 होता है, 37 इधर लिखा है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज, 10, 20, 30, 40, 50 डैश, ये इस तरह के एमसीक्यू ज़रूर आते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज, 2, 6, 12, 36, 72, 216। अब आप और करें कि यहाँ पर 3 के साथ मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, 2 के साथ मल्टीप्लाई किया है, सॉरी 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 6 बना, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। 2 को पहले, ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, पहले नंबर को 3 से मल्टीप्लाई किया, 6 बना, फिर 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 12 बना, ठीक है। यहाँ तक आप क्वेश्चन समझे, यहाँ तक आपको समझ में आ जाएगा, आगे आसान है, ठीक है। पहले नंबर को 3 से मल्टीप्लाई किया, दूसरा नंबर मिला, दूसरे नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया, तीसरा नंबर मिला, ठीक है। अब आप गौर करें, ये यहाँ तक हो गया, अब आप इस पर गौर करें, पहला नंबर है उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 36 आएगा, फिर 36 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 72 आएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? हम भी इसी तरह करेंगे, हमारा जो एक आंसर होगा उसी में शामिल है। पहले हम 72 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बना? 216 बना। अब बचा क्या? बचा 2 से मल्टीप्लिकेशन, इस 216 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 को, पहले आप 200 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना क्या हो जाएगा? 400 हो जाएगा। फिर 16 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 32 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 432। 432 कहाँ लिखा है? इधर ही लिखा है, ऑप्शन बी में, ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगर आपको इस तरह के एमसीक्यूज समझने में परेशानी हो रही है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं मज़ीद आसानी के साथ आपको समझाने की कोशिश करूं। व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज, 3, 5, 8, 12, 17। 3 में 2 ऐड किया है 5, फिर 3 ऐड किया है 8, फिर 4 ऐड किया है 12, फिर 5 ऐड किया है 17, हम क्या करेंगे? 6 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? 23 बन जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है।
ओके, ये इस तरह के भी एमसीक्यूज आते हैं, मैथमेटिकल एमसीक्यूज हैं, और इसमें है 1397 मल्टीप्लाई 1397, ठीक है। अब इसका करेक्ट आंसर आप कैलकुलेशन करके भी बता सकते हैं, और नीचे चार ऑप्शन मौजूद हैं, ठीक है। यहाँ पर हम इसका आंसर नहीं बताएंगे, खैर मुझे पता है क्योंकि मैं तो ये प्रेजेंटेशन बनाई है कि इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरह के एमसीक्यूज पास्ट पेपर में आए हैं, ये पास्ट पेपर से ही मैंने लिया है, ठीक है, अपनी तरफ से नहीं लेगा। व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज 2, 3, 5, 8, 12, यहाँ पर एक जमा किया है, यहाँ पर दो जमा किया है, यहाँ पर तीन, यहाँ पर चार, हम क्या करेंगे यहाँ पर पाँच जमा करेंगे, तो 12 और 5, 17 होते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। व्हाट विल कम नेक्स्ट, अब आप गौर करें 34, 17, 6, अगर आप 34 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 17 आएगा, हम 6 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 3 आएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज 2, 8, 32, 128, सिंपल क्वेश्चन है, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8 बना, 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया 32, 32 को 4 से मल्टीप्लाई किया 128, 128 को भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा, देखिए 100 का आएगा 400, ठीक है। अब पीछे बचा 28 का, 28 में आप 25 का कर दें तो 100 आएगा, ठीक है, आप मज़ीद 100 ऐड कर दें, फिर पीछे कितना बचा, 3 बचा, 3 का आप 4 से करें 12 बचा, 12 होगा, ठीक है, यानी 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, हमारे पास 3 बचा था तो 12 आ गया, अब इनको आप ऐड कर दें 400, 100, 500, 500 + 12, 512 कहाँ लिखा है, ऑप्शन सी में लिखा है, ठीक है। इस तरह मैं अपनी मल्टीप्लीकेशन इस तरह करता हूँ, इस तरह मज़ीद आसान हो जाता है। व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज 3, 10, 18, 27, 3 में क्या जमा किया है, 7 जमा किया है, फिर 10 में क्या जमा किया है, 8 जमा किया है, 8 में 27 कैसे बना, 9 जमा किया है, 27 में हम क्या जमा करेंगे, 10 जमा करेंगे। अब आप इस सीक्वेंस को देखें 7, 8, 9, 10, 11, अगर ये मिसाल आगे सीरीज होती तो फिलहाल यहाँ तक है, तो 10 जमा करेंगे 27 और 10, 37 हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी। व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज 3, 5, 8, 11, 2, 3, 4, 5, 5 कितना बना, 16 बना, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 1.5 + 1.8 = 2, ये MCQs भी, इसका जवाब भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, लेकिन खैर इसका करेक्ट आंसर क्या है, 1 का 1 का 1 हो गया, ठीक है, सॉरी इसका आपने वो करना है, सोचना है 1.5 है ना, और ये 1.5 से ज़्यादा है, तो 1.5 का बन गया 3, ठीक है, पीछे बचा 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 3 बचा तो 3.3, ये इसका करेक्ट, 3.3 किधर लिखा है, ऑप्शन ए में लिखा है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज 10, 18, 15, 23, 20, 28, 25, अब मेरा दिल करता है कि एमसीक्यूज में आपसे पूछ लूँ, लेकिन चले मैं हल करके देता हूँ, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें आपने दो अलग अलग सीरीज को देखना है, एक सीरीज ये रही 10, 15, 20, 25, ठीक है, और एक सीरीज ये रही 18, 23, 28, और फिर हमारा आंसर कैसे, 10 के बाद 5 ऐड किया 15 आया, 15 में 5 ऐड किया 20, 20 में 5 ऐड किया 25, अब आप इधर देखें 18 में 5 ऐड किया 23, 23 में 5 ऐड किया 28, 28 में हम 5 ऐड करेंगे क्या आता है, 28 में 5 ऐड करेंगे 33 आता है, 33 हमारा आंसर है। व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज 10, 11, 10 + 1 = 11, 11 + 2 = 13, 13 + 3 = 16, 16 + 4 = 20, 20 + 5 25, 25 + 6 = 31, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। 1 + 1 = 2 हो गया, ठीक है, 2 + 2 = 4, 4 + 4 = 8, 8 + 8 = 16, 16 + 16 = 32, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 1, 4, 10, 22, 46, ये कैसे बना, 3 इधर 3 ऐड किया, फिर 6 ऐड किया, ठीक है, फिर क्या ऐड किया, 6 का डबल ऐड किया है इधर 12, 3, 6, 12,
और फिर क्या 24 रेट किया है आई थिंक, ठीक है 24 रेट किया है। अब हम क्या करेंगे, 6 का डबल 12 था, 12 का डबल ये 24, 24 का डबल कितना होता है 48 होता है, 48 को 46 के साथ ऐड कर दें तो जो आंसर होगा वो हमारा आंसर होगा, ठीक है 46 में 48 सेट करेंगे, 48 के 4 इसमें डाल दें, ठीक है 48 के 4 इसमें डाल दें ताकि 50 पूरा हो जाए, तो ये तो हो गया 50। अब 48 में आप 4 माइनस करें तो कितना बचा 44 बचा, ठीक है तो 50 को 44 में मिलाए कितना बना, 50 में आप पहले 40 मिलाए 90 हो गया, 90 में आप 4 मिलाए 94 हो गया, 94 ये रहा, ये हमारा आंसर है। चूज़ दी करेक्ट आंसर, सिंपल क्वेश्चन है 2244369364 अब आप और करें, 2 का स्क्वायर जब आप लेंगे 4 आता है, फिर 2 का स्क्वायर लेंगे 4 आएगा, ठीक है इधर आप और करें 3 का स्क्वायर लेंगे कितना आता है 9 आता है, और 6 का स्क्वायर लेंगे 36 आता है, ठीक है इस तरह हम क्या करेंगे 9 का स्क्वायर कितना 4 का स्क्वायर कितना आता है 16 आता है, 16 लिख देंगे। इसी तरह 3 का स्क्वायर कितना आता है, 3 का स्क्वायर आता है 9, 169 हमारा आंसर है, 169 किधर लिखा है ये रहा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। चूज दी करेक्ट आंसर, अब यहाँ पर आप गौर करें 4422 5 16 4 25 5 5 4 4 3 3 25 16 9, ये भी पिछली क्वेश्चन की तरह है, ठीक है इसमें आप गौर करें कि अगर आप 4 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 16 आएगा, इसी तरह 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा, ठीक है इसी तरह हम एंड पर आ जाते हैं 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा तो 494, फिर 5 का 5 से 25 49425 ये रहा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, ठीक है तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, नेक्स्ट वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इंशाल्लाह कोशिश होगी कि हम इस बार मुकम्मल तैयारी आपको करवा सकूँ।